तीन तलाक कानून अपराध घोषित होने के बावजूद अभी भी लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और पत्नी को तीन बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे रहे हैं। ताजा मामला झाबुआ जिले के पेटलावद का है, जहां इंदौर के अब्दुल शेख नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे डाला। 22 जून 27 जुलाई और 25 अगस्त की तारीखों में तीन बार तलाक 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 लिखे अलग अलग नोटिस भेजे थे। अब 27 अगस्त को महिला की शिकायत पर पेटलावद पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता ने क्या जानकारी इस पर दी है, ये पहले पीड़िता को सुनते हैं। थाने पे पहुंचे हैं, क्या आवेदन दिया है? जी, मैंने तीन तलाक का आवेदन दिया है। मेरे पति ने मुझे व्हाट्सएप के द्वारा नोटिस के द्वारा तीन तलाक दी है मुझे, जबकि तीन तलाक पर रोक लग चुकी है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको तीन तलाक दिया? जी। कहाँ हुई थी आपकी शादी? इंदौर में हुई थी। कब हुई थी शादी? 14 नवंबर को। अभी आप थाने पे पहुंचे हो तो क्या कार्रवाई में करवाना है? जी, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाहती हूँ कि तीन तलाक पर मोदी जी ने रोक लगा दी है, तो फिर ये किस हिसाब से मुझे तीन तलाक दे रहे हैं और मेरी गलती क्या है? मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, ना इंसाफी की गई है मेरे साथ। पेटलावा थाने में पीड़िता द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके पति द्वारा उसको मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और व्हाट्सएप पर उसने तीन तलाक लिख करके उसको तलाक दिया है। तो इस संबंध में 498A 323 IPC और 4 मुस्लिम अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है।